देखा गंगा मौसी, केशु से आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? आजकल वो सपना के पीछे है। पीछे? किस मामले में पीछे है? ओहो गंगा मौसी, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता। पीछे का मतलब आजकल वो सपना के लिए पागल हो गया है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? क्यों, कोई बात नहीं है? नहीं, मेरा तजुर्बा कहता है कि जब कोई पति पराई औरत के पीछे पागल हो जाता है ना, तो समझो कि उसका क्लाइमेक्स आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके होश में आने के दिन नजदीक आ गए। लेकिन तब तक पत्नी के होश उड़ जाते हैं, उसका क्या? उसका आप देखो एक ही इलाज है। इलाज? हाँ। कौन सा बताओ? उसके पास जाके बोल दो कि तुम्हारी ये हरकतें भगवान देख रहा है। कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्यों क्या? केशु की ये हरकतें देखकर भगवान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली होगी। हेलो सपना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मुझे शूटिंग में जाना है, बाय। अरे सुनिए, हेलो। ए चश्मिश, कुंडी संभाल। अबे ए चश्मिश मत बोल, सपना जी के सामने मेरा इंसल्ट कर रहा है। जो आदमी अपनी बीवी की आंखों के सामने ऐसी हरकतें करता है, वो आदमी भगवान से क्या डरेगा? तुम उसको यहाँ बुला, मैं बात करती हूँ। अबे जा चश्मिश। तेरी गया, आज लगता है हमेशा के लिए गया। कुछ पंगा हो गया तो मुझे नहीं है मालूम, तो उसे बुलाओ तो सही। अच्छा अच्छा, केशु, केशु। आप बोलो कोकी। अरे रे रे रे, ये सवेरे सवेरे महाकाया हमारे घर में क्या कर रही है? इसे एक दो बिस्कुट खिलाओ और निकालो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरा उपवास है। केशु, गंगा मौसी तुमसे कुछ कहना चाहती है। अच्छा बोलो गंगा, क्या खबर लाई हो? सुनो केशु, कल रात भगवान मेरे सपने में आए थे, वो तुमसे बहुत नाराज हैं। वो क्यों? क्योंकि तुम दिन भर सपना सपना करते रहते हो, इसलिए। ए गंगा, सपना तू देखती और कह रही कि सपना सपना मैं करता हूँ। केशु, वो सपना नहीं वो सपना। हाँ। वो सपना नहीं वो सपना। अरे वो पड़ोस वाली सपना। हाँ हाँ हाँ, तो सपना जी बोलना। हाँ ठीक है, वही वही। हाँ। तुम उस सपना जी के पीछे पागल हो गए हो ना। हाँ। वो भगवान को बिल्कुल मंजूर नहीं है। अच्छा, तो ये बात भगवान ने डायरेक्ट मेरे सपने में आकर क्यों नहीं कही? भगवान जी को भी मौका मिलना चाहिए ना, क्योंकि तुम तो पूरी रात सपना के सपने देखने में बिजी थे। अरे कोकी, ये गंगा हमें बेवकूफ बना रही है। देख गंगा, भगवान भगवान पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? अरे तुम जरा सोचो कोकी, अगर इस दुनिया में भगवान होता तो ऐसी गंगा को पैदा होने देता? कोकी, सॉरी 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 सॉरी। देखो मैंने तुम्हें सावधान कर दिया है, अब तुम जानो और भगवान जाने। ठीक है ठीक है। कोकी मैं चलती हूँ, अब अगर भगवान तुम्हारे पति से नाराज हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हाँ। ये यहाँ क्यों मर रही है? वो कुछ फड़क रही है। हाँ। अच्छा सुनो। हाँ। तुम गंगा मौसी की बात मान लो और भगवान के लिए भगवान से डरो। ठीक है ठीक है, लेकिन पहले मुझे चेक कर लेने दो। क्या इस दुनिया में भगवान है कि नहीं? है केशव, दुनिया में भगवान है। अरे यार गोखले, लेकिन उसका सबूत क्या है? अरे उसका सबूत यही है कि शर्मा साहब ने अभी तक हमें नौकरी पे रखा है। तू मजाक छोड़, तू साफ साफ बता इस दुनिया में भगवान है या नहीं है। अरे तुम्हें इससे क्या लेना देना है? उस गंगा मौसी के सपने में एक भगवान आया था। अरे गंगा वाले भगवान से तुम्हें क्या लेना देना है? अरे उस भगवान ने गंगा मौसी के सपने में मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा था। क्या? कि केशव से कहना सपना जी का पीछा छोड़ दे। इसका मतलब यह है कि गंगा वाले भगवान को किसी ने पैदा किया है। पैदा किया है? क्या मतलब? देखो केशव, भगवान दो तरह के होते हैं, एक तो वो जिसने हमें पैदा किया है। हाँ। और एक तो ये जिसे हम पैदा करते हैं। एक तो ये, एक तो वो। यार तू कंफ्यूज कर रहा है गोखले, ये दो भगवान कैसे हो गए? नहीं मैं तुझे समझाता हूँ। देख केशव, एक तो ये जिसको हमने और एक नहीं यार, कंफ्यूज कर रहा है, दो नहीं। जाने दे, तू सपना जी से पूछ ले, अगर उन्होंने कहा भगवान है तो भगवान है, वरना नहीं। अरे कमाल कर रहा है, मैं सपना जी का विश्वास क्यों करूं? अरे वो अमेरिका रिटर्न है। अरे हाँ गोखले। लेकिन गोखले गया, एक तो ये, एक तो वो, ये कंफ्यूज करके चला गया यार। सप्पू भाई देखो, तुम ऐसे कपड़े पहना करो, ऐसे कपड़े पहनोगी ना तो तुम्हारा फिगर जो है ना वो उभर के निखर के बाहर आएगा। Really? मत खाओ, बिस्किट मोटी हो रही हो। एक्सक्यूज मी,
हेलो सपना जी। हेलो सपना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सपना जी, क्या आप मुझे बता सकती है कि इस दुनिया में भगवान है या नहीं? ये सवाल सोचना पड़ेगा। I have to think about it। कभी कभी लगता है कि भगवान है, कभी कभी लगता है कि भगवान नहीं है। ओहो, अच्छा आपको ऐसा कब लगता है कि भगवान है? जब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है, जब मुझे मोटा मोटा चेक मिलता है तो लगता है भगवान है। अच्छा, और ऐसा कब लगता है कि भगवान नहीं है? जब वो मोटा मोटा चेक बाउंस हो जाता है तो मुझे लगता है भगवान बिल्कुल नहीं है। और जब फिर मेरी फिल्म कंप्लीट नहीं होती है, जैसे वो कौन सा है वो डायरेक्टर, छुटकू, हाँ वो कालिया, लोलो, छोटू कालिया, हाँ उसके अभी तक एक भी पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई है। गॉड, मुझे तो शूटिंग में जाना था। एक मिनट सपना जी, अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो अभी अभी आपने ओ माय गॉड क्यों कहा? God knows. Excuse me. दिलरुबा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको भगवान पर विश्वास है या नहीं? कुछ साल सवा साल पहले तक था, आई मीन फ्रॉम 29th July 1994 4 PM onwards, मेरा मतलब जब से हम लोग आपके पड़ोस में शिफ्ट हुए हैं, मेरा भगवान पर से विश्वास बिल्कुल उठ गया है। Yes. Do me a favor. भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी फिल्म जल्दी से कंप्लीट हो जाए। जरूर करूंगा सपना जी, जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे चेक कर लेने दीजिए कि इस दुनिया में भगवान है या नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं दूंगा। ले लिए, ले लिए। बाय बाय सपना, बाय। भगवान की बातें करता है और बिस्किट चुराता है। 420 कहीं का। कोकी, हाँ कोकी, कहाँ तुम? मैं यहाँ हूँ केशु। अरे वो तो बालकनी में, इस तरफ हूँ। जानता हूँ। मेरा चश्मा कहाँ है? कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो। अच्छा, क्या कर रहे हो केशु? तुम भगवान से प्रार्थना करो तो तुम्हें चश्मा मिल जाएगा। गंगा मौसी ठीक कहती है कि अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो भगवान तुम्हारी जरूर सुनता है। अरे छोड़ो कुकी, वो गंगा अव्वल दर्जे की बंडलबाज औरत है। अगर भगवान मेरी प्रार्थना सुनता है तो सबसे पहले मैं उसे कहूंगा कि उस गंगा को गायब कर। तुम गंगा मौसी को छोड़ दो ना, तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो, और फिर देखो कि भगवान तुम्हारी सुनता है कि नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है, ट्राई मारता हूँ। ए भगवान, ए भगवान, मुझे बता मेरा चश्मा कहा, वरना जब तुम दर्शन दोगे तुम धुंधले धुंधले से नजर आओगे। अब धुंधला शुरू कर दो। ओके, चश्मा मिल गया। हाँ। चश्मा मिल गया, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब तुम्हें यकीन हुआ ना कि भगवान है? भगवान है, भगवान है। अरे ये तो गंगा है। अगर मुझे पता होता कि चश्मा पहनते ही मुझे ऐसी मनहूस सूरत देखनी पड़ेगी तो मैं भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करता। चुप करो, कमोसी, कैसा रहा आइडिया? एक्चुअली चश्मा तो मैंने ही छुपा के रखा था। शाबाश, अब ऐसे ही एक दो बार और उसे बेवकूफ बनाना, वो अपने आप भगवान को मानने लगेगा। अच्छा, तो दिलरुबा को भी अपनी गैंग में शामिल कर लेना। गुड आइडिया। 9:30 बजे घर का सारा काम फिनिश, खाली डस्टिंग रह गई है, वो बाद में करूंगा। मुझे देखा तो ये खाना सनम, प्यार होता है जनाना सर। को की जी एंगेज, केकड़ा कभी फोन ठीक से रखता नहीं है, पता नहीं कभी बिल भी दिया है कि नहीं इसने फोन का। केशव, आवाज एकदम बंद करो, चुपचाप ना लो यार, सिंधु पढ़ाई कर रहा है। लिख रहे हो तू? गिटार बजा रहा है? चल रख दे वहां पे और लिखना शुरू कर दे। चल चुप चुप, बिल्कुल चुप, आवाज बंद करो, चुपचाप ना आलो। हेलो कोकी जी, मैं बोल रहा हूँ दिलरुबा। अच्छा हुआ दिलरुबा जी आपने फोन किया, आप एक मेरा काम कीजिए ना, आप सपना जी से कहिए कि केशु को फोन करे। वो किस लिए? क्योंकि मैं केशु के मन में भगवान के प्रति विश्वास जगाना चाहती हूँ। हाँ, तो सपना क्यों फोन करेगी? मैं कर देता हूँ फोन ना केशव जी को। नहीं नहीं, वो आपकी बात सुनेगा तो उसका विश्वास और भी उड़ जाएगा। प्लीज मेरा ये काम कर दीजिए, करेंगे ना? कोकी जी, आप तो जानती हैं कि मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिलहाल जो मैं कहती हूँ उतना ही सुनिए। हाँ,
ओके कोकी। आप सुबह सुबह उठकर गाना क्यों गा रहे हो? भगवान का नाम लो, वो आपको ऊपर से देख रहे होंगे। ए चिंटो, तू अपना काम कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। अरे मेरा भगवान तो बालकनी में होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है सूर्य नारायण, सूर्य नारायण। चल तू पढ़िया। हेलो। हेलो गोकी जी, मैं सपना बोल रही हूँ, जरा केशव जी को फोन दीजिए। हाँ सपना जी, अच्छा हुआ आपने फोन किया। दिलरुबा जी ने आपको पूरी बात समझा दी है ना? हाँ हाँ सब समझा दिया है। अच्छा मैं केशव को फोन देती हूँ। केशव, केशव। ओए भोंदू भगत, बालकनी में क्या चल रहा था? भगवान का नाम ले रहा था। अच्छा हाँ। ये लो तुम्हारा फोन है। किसका है? उसी भगवान का जिसका तुम नाम ले रहे थे। सपना जी का? हाँ। सपना जी आप कैसी हैं? अरे बालकनी में अभी खड़े खड़े मैं आप ही का नाम ले रहा था। केशव जी, आप मेरे बारे में इतना मत सोचा कीजिए। अगर आप भगवान के बारे में सोचेंगे तो देखिए भगवान आपसे कितना प्रसन्न होंगे। ओके बाय। क्या हुआ? कोकी, कोकी तुम ठीक कह रही हो। क्या? तुम ठीक कह रही हो कि भगवान इस दुनिया में है। भगवान इस दुनिया में है कोकी। तुम्हें यकीन हुआ ना? हाँ कोकी। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे हर चीज में भगवान नजर आ रहा है। क्या कह रहे हो? हर चीज। कोकी क्या हुआ? कोकी तुम मुझे माँ चंडी का नजर आ रही हो। प्रभु प्रभु प्रभु, ये हमारा चिंटू मुझे बाल कृष्ण नजर आ रहा है। अच्छा? प्रभु प्रभु। देखो कोकी देखो, कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है हमारा चिंटू। आज से ये मेरा एक तारा रहेगा। तो एक तारे के साथ भगवान का नाम भी लो। हाँ कोकी हाँ। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी नारायण 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 नारायण। सपना जी अब हम क्लाइमेक्स का सीन करें, इसमें आपको दो लव्स बोलने हैं। दो लव्स? नो 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 नहीं। देखिए क्या है कि एक्चुअली एक ही लव्स है, उसको दो बार रिपीट करना है। क्या लव्स है? बचाओ 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 बचाओ, दैट्स इट। ओके क्या है कि एक्चुअली विलन आपके पीछे लगे और उनसे बचने के लिए आप चिल्ला रही है बचाओ बचाओ। कौन है भाई? कैसे हो छोटे बालक? कैसे? सपना जी आज की शूटिंग कैंसल। क्यों? क्यों? अभी आ गए है ना, आज हमें शूटिंग कंप्लीट नहीं करने देंगे। अरे ऐसा मत करो, बालक अनर्थ हो जाएगा। केशव जी आप यहाँ क्यों आए हैं? सपना जी मैं तो आपको बताने आया हूँ कि इस दुनिया में भगवान है और वो मेरी प्रार्थना भी सुन रहा है। तो एक प्रार्थना मेरे लिए कर लीजिए। हे भगवान मुझे इस फिल्म से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। ठीक है सपना जी। हे भगवान सपना जी को इस फिल्म से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दे। प्रॉब्लम। क्या हुआ बालक? अब यह फिल्म कभी कंप्लीट नहीं होगी। बट व्हाई? क्यों? अभी प्रोड्यूसर का फोन आया था कि उसका फाइनेंसर भाग गया है। नारायण नारायण। केशव जी अब मैं कल से क्या करूंगी? अरे आप चिंता न करें सपना जी, मैं भगवान को एक और प्रार्थना करूंगा कि आपको एक नई फिल्म दिला दे। हे भगवान सपना जी को एक और फिल्म दिला दे। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी नारायण नारायण। केशव तुम ये क्या कर रहे हो? गोखले बालक ये लो प्रसाद लो। ए, मुझे प्रसाद वरसाद कुछ नहीं चाहिए, चलो दफ्तर चलो। शांत हो जाओ बालक शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ, ये क्या पागल पर है? गोखले सारा विश्व पागल है, अरे मूर्ख तू भी पागल है। केशव लोग तुम्हें यहाँ बैठा हुआ देखकर क्या सोचेंगे? गोखले मेरे मित्र, अरे प्रभु तो हर जगह बसा है, यहाँ वहाँ नीचे ऊपर। लगता है प्रभु ऊपर भी बैठा है कबूतर के रूप में। खा लो प्रसाद खा लो। केशव तुम यहाँ से चलो, अगर शर्मा साहब ने तुम्हें देख लिया तो डिसमिस कर देंगे। मूर्ख ऐसा कुछ नहीं होगा,
क्योंकि प्रभु की लीला अपरंपार है। चलो चलो उठो यहाँ से। नारायण नारायण। उठो यहाँ से, पता नहीं कोकी भाभी और गंगा मौसी तुम्हें क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। नारायण नारायण। वाह कोकी जी वाह, केको जी को बेवकूफ बनाने का कितना मस्त आइडिया निकाला है आपने। अब तो वो सपना की ओर देखते भी नहीं है। रियली वेरी गुड आइडिया, शाबाश शाबाश कोकी जी, शाबाश। क्या हुआ? इतनी शाबाशी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आइडिया गंगा मौसी का है। अच्छा भाभी जी। अरे केशु गोखले आप कब आए? हम माए नहीं है, भगवान हमें यहाँ खींच कर लाया है। नारायण नारायण। भाभी जी केशव को ये क्या हो गया है, बात बात पर। नारायण नारायण। तब पर मैं भी कहता था नारायण नारायण, बात बात पर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। नारायण नारायण। और मजे की बात यह है कि भगवान भी इसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। अच्छा अब केशव मेरे लिए कुछ प्रार्थना करो ना। भगवान, हे भगवान, मेरी कोकी को 15 दिन के लिए मैके भेज दे। नहीं, सॉरी। अच्छा चलिए, मेरे लिए कोई प्रार्थना कीजिए। हे भगवान, ऐसा कुछ कर कि सपना जी दिलरुबा का मुंह नोच ले। अबे बदतमीज, दुआ मांगने के लिए कहा था, बददुआ नहीं, फिर भी मैं जाके ट्राई करता हूँ। ऑल द बेस्ट। एक बात कहूँ, जोकर लग रहा है। नारायण नारायण। केशु केशु, अब गंगा मौसी के लिए हाँ। कुछ प्रार्थना करो ना। हे भगवान, गंगा 50% पागल है, उसे 100% पागल बना दे। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना बहुत जल्दी सुन ली। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं, तुम ऐसे कर रही थी इसलिए मैंने भी कर दिया। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ? हाँ। ओ, जीलू मुझे क्या हुआ जानते हो? क्या? जीलू, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने आज मुझे हीरोइन का रोल ऑफर किया है। और जानते हो कितने पैसे मिलेंगे? कितने? 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख? 10 lakhs? I can't believe. I also can't believe. I'm so happy, Jilu. I'm so happy. I'm so happy. So happy. क्या कर रहे हो Jilu? कुछ नहीं, अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ मैं। Jilu? अरे। Jilu? अरे? आज मैं तुम्हारी ऐसे डरने वाला नहीं हूँ। ये क्या तुमने है लगा रखी है? हाँ? क्या है ये? क्या? अरे मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हो रहा हूँ यार। चलो, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी जिलो। क्या कहा तुमने? मुंह नोच लूँगी तुम्हारा। मेरा मुंह नोच लोगी? एहसान फरामोश, नवा खराम, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। वो दिन जब नई नई आई थी, न खड़े होने की अकल थी, न कपड़े पहनने की, सब मैंने सिखाया तुझे। आपका मॉडल बनाया, आज दो पहे के आ गए, अकल आ गई तेरे में? मेरा मुंह नोच लोगी? लगाना, मैं कह रहा हूँ। नारायण 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 नारायण। प्रणाम डैडी। पुत्र। ओ प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। पुत्र, मेरे पैरों को मत छूना, तुम्हारे हाथ में मक्खन लगा हुआ है। हाथ साफ करने के लिए तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली पुत्र? क्षमा पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, तुम्हारी माता कहाँ है पुत्र? माँ, ओमा। केशो, ये चिंटू के सामने क्या मामा लगा रखा है? मैं कोकी हूँ कोकी। हाँ कोकी माँ, हाँ। मेरा नाश्ता कहाँ है कोकी माँ? फिर माँ, अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये तुम्हारा भ्रम है कोमा। फिर माँ, अगर फिर मुझे माँ कहा ना तो इस गिटार से मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरे क्रोधित ना हो कोमा, तुम्ही ने तो मेरी आंखें खोली थी। वो दूसरी औरतों को माँ कहने के लिए, मुझे नहीं। क्या मतलब? सपना से तुम्हें दूर खींचने के लिए गंगा मौसी के साथ पार्टनरशिप में मैंने नाटक खेला था। अच्छा, कैसा नाटक को माँ? यही कि तुम्हारी ये सारी हरकतें भगवान देख रहा है। अरे वो तो वाकई देख रहा है को माँ, आजकल तो वो मेरी प्रार्थना भी सुन रहा है। केशु, कोकी जी, कोकी जी।
दिलरुबा जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? मैंने भी नहीं किया, मेरा ये हाल सपना ने बनाया है। मैं उसके पप्पी लेने गया, उसने मेरा सारा मोल नोच लिया। आप ही संभाल कर रहना कि कुछ का शराब सही निकला, कि कुछ का शराब सही निकला। नारायण नारायण। गागी गागी मेरे बाल देखो। गंगा मौसी, अब ये नाटक बंद करो, अपना खेल खत्म हुआ है, खत्म खत्म। काकी काकी, अरे ये तो सचमुच पागल हो गई। नारायण नारायण। केशो करने। हाँ केशो। मेरी नानी मर गई, मुझे 15 दिन के लिए मायके जाना होगा। नारायण नारायण।